अब हम बात कर लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जब मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करूंगी तो वो हमारे पास जो है वो गिलगित कश्मीर लोअर चित्राल और लोअर कलात में मौजूद होता है अब यहाँ पर दो तरह के होते हैं अब आपने देखा होगा कि जो इस्लामाबाद रीजन यानी पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है तो यहाँ पे जो ग्रास होंगे वो टेम्परेट ग्रास होंगे इसलिए आपने देखा नॉर्दर्न एरियाज में ठंडे ग्रास होते हैं देन हम जब मूव करेंगे द ट्रॉपिकल रीजन तो वहां पे जो ग्रास लैंड होते हैं वो हमारे पास जो होता है वो ड्राइजी ड्र यानी कि ड्राई ग्रास लैंड होती है तो इसलिए जो ग्रास लैंड टेम्परेट रीजन में होते हैं उसको हम लोग पेरे कहते हैं और जो ग्रास लैंड ड्राई रीजन में होते हैं उसको हम लोग सवाना कहते हैं अब ये जो ग्रास लैंड इको होता है इधर जो है वो बारिश ना होने के बराबर होती है यानी कि टू से सेवन फिफ्टी मिलीलीटर एनुअली बारिश पड़ती होती है अगेन यहाँ पे दो रीजन पे दोबारा से फर्क आएगा यानी जो परेरी है वहां पर क्योंकि बारिशें कम होती है तो वहां पे हमारे पास जो है वो 1000 थाउजेंड मिलीमीटर mm, यानी के आपके पास जो है वो फॉरेस्ट डेजर्ट और फॉरेस्ट के दरमियान वाली कंडीशन होती है लेकिन जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है जिसे हम लोग सवाना भी कहते हैं वहां पर हमारे पास फिफ्टीन हंड्रेड मिलीमीटर सिक्सटी इंचज तक होती है अब अगेन आपने जब भी ग्रास लैंड की बात करनी है तो आपने इन दोनों परेरीज और सवाना के जो डिफरेंसेस हैं उनको माइंड में रखना है पहला डिफरेंस जो है वो वाटर कंडीशन का है दूसरा डिफरेंस टेम्परेचर कंडीशन का है जो तीसरा डिफरेंस होगा वो होगा प्लांट लाइफ का अब जो यहाँ पर डोमिनेंट स्पीशीज होंगी वो ग्रासेस होंगी क्योंकि ग्रास लैंड की बात है ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो ग्रास लैंड ज्यादा होगी लेकिन यहाँ पर जो चीज आपकी बुक में मैंशन नहीं है वो आपने याद रखनी है की जो टेम्परेट रीजन होता है टेम्परेट रीजन के ऊपर जो ग्रासेस होती है उसमें फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज़ नहीं होंगे तभी इन्हें हम लोग पेरिस कहते हैं विदाउट द वुडी ट्रीज ग्रासेस होती हैं ग्रासेस होती हैं शॉर्ट होती हैं आपके पास जो है वो जूसी होती हैं यानी इनकी जो स्टेम होती है वाटर एब्जॉर्ब या वाटर कंजर्व करने की वजह से थोड़ी जूसी और न्यूट्रिशनस होती है लेकिन जो हमारे पास सामाना यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन वाली जो ग्रासेस होंगी वो हमारे पास स्पाइकी होंगी यानी कि कांटेदार लॉन्ग होंगी और इधर जो होगा वो आपके पास ट्रीज भी होंगे तो अगर आपने अफ्रीकन जंगल देखें जो अफ्रीकन जंगल के अंदर ब्राउन कलर की ग्रासेस होती हैं लॉन्ग होती हैं और दर, बीच बीच में दरख्त होते हैं तो वो हमारे पास सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में शामिल होती हैं लेकिन अगर आप कश्मीर की वादियों में देखें तो वहाँ पे जो होते हरे भरे खेत या जो घास होगी भी होती है वो हमारे पास टम्परेट रीजन की होती है अब हमारे पास जो ग्रासेस होती हैं वो एक खास लेयर बना लेते हैं यानी कि सबसे पहले हमारे पास सबसे लंबी ग्रास जो कि दूर से देखने में नजर आ रही होती है इसको हम लोग एंड्रोपोगम पेनीसियम कहते हैं और ये पहली लेयर यानी कि लार्ज लेयर बनाती है ये लॉन्ग है टॉल ग्रासेस हैं तो ये लॉन्ग लेयर बना रही है उनके दरम्यान में हमारे पास जो होते है वो स्टाइबस स्ट्रोपोलस स्ट्रोपोलस आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो है वो फर्न की किस्म पड़ी थी एंड देन और इसो ये सारे जो होते हैं हमारे पास मिड लेयर ग्रासेस यानी कि ये इतनी बुशी होती हैं छोटी होती हैं तीसरी हमारे पास ग्रासेस और फॉब्स बनाती हैं यानी ये फूलदार पौधे होते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे और इन ग्रासेस के दरमियान जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन सब ट्रॉपिकल में इन घासिस के अलावा क्योंकि दरख्त भी होते हैं और वो दरख्त काफी घने होते हैं और समटाइम जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं और ग्रास जो होते हैं वो थोड़ी कम हो जाती है फिर हम सॉइल कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे क्योंकि पानी की जो है वो कंडीशन बहुत खराब है पानी बहुत कम होता है सो दैट्स वाई यहाँ की जो अपर लेयर होगी सॉइल की वो आपकी मॉइस्ट होगी और जो लोअर लेयर होगी यानी कि जो लोएस्ट रीजन होगा वो आपके पास ड्राई होगा रीजन ये है कि आपके पास जो ग्रासेस होती हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो आपके अपर रीजन के अंदर वाटर को रिटेन करती हैं सो दैट्स वाई ये रीजन जो है बिकॉज ऑफ द रूट्स जो होता है ये मॉइस्ट होता है क्योंकि रूट्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये पानी को होल्ड कर सके और सारी जो न्यूट्रिशन होती है वो भी इस अपर लेयर में होती है जबकि जो नीचे वाली लेयर होगी वो हमेशा बंजर होगी उसके अंदर जो होगा वो पानी नहीं होगा और मोस्टली खुश्क कंसीडर होगी फिर हम बात करते हैं एनिमल लाइफ की जहाँ ग्रासेस हैं वहां पे इंसेक्ट्स होंगे और जहाँ इंसेक्ट्स होंगे वहां पर हरबी भी होंगे क्योंकि ग्रासेस को खाने वाले हरबी बोर्स होते हैं अब इंसेक्ट्स और हरबी बोर्ड होने की वजह से यहाँ पर कार् भी बहुत ज्यादा होते हैं इंसेक्ट खाने वाले भी कार्निवर्स जिनमें हमारे पास फ्रॉग्स आते हैं स्नैक्स आते हैं, लिजर्स आती हैं और हर भी वो जिनके शीप और कैटल को खाने वाले भी जिनमें हमारे पास लेपर्ड फॉक्सेस वगैरह शामिल होते हैं अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं ये प्रोडक्टिविटी भी टोटली डिपेंडेंट है ऑन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन तो जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर लेस वाटर होने की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो 700 हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम्स पर मीटर स्केयर है यानी 700 से 1500 सौ की जो है वो बायोमेस क्रिएट होता है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंडीशन बहुत अच्छी है वाटर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो फोर थाउजेंड ग्राम्स पर मीटर स्केयर तक भी पहुंच जाती है सो so, अगर कोई आपसे पूछे कि आप लोग जो है वो टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में तीन डिफरेंसेस लिखे हैं तो आप लोगों ने पहले जो है प्रोडक्टिविटी फिर टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी का जो है वो आपने जिक्र कर देना और प्लांट लाइफ का फिर हम बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की अब ह्यूमन इम्पैक्ट भी जो है वो अगेन इस पे भी नेगेटिव होगा तो जब हम ग्रास लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पैच जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर और यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हो सकते बिकॉज जो नीचे वाली रीजन है वो काफी ड्राई होती है और वहां पर अल्केलेटी या जो सॉइल होती है वो काफी अल्कलाइन या एसिडिक हो जाती है So से यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर एक स्मॉल पोर्शन पे होती है ज्यादातर पोर्सन पेमन क्या करते कि वो एनिमल्स को छोड़ देते हैं जब वो ह्यूम के तो क्या होता है की आपके पास जो टॉप मोस्ट सॉइल जिसको आपकी पानी था जिसके अंदर जो मॉइस जिसके अंदर न्यूट्रंस है उसको ग्रासीज ने होल्ड किया होता और जब वो सारी ग्रासेज ही आपके जो है वो एनिमल्स खा जाएंगे तो हमारे पास जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी